सब ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय से पाठ कर रहे हैं और अभी 17वें श्लोक पर पहुंच गए हैं, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से परीक्षित महाराज को बता रहे हैं किस प्रकार वैराग्य के माध्यम से जीवन को सरल रखा जा सकता है, और जितना सरल जीवन होगा उतना ही भगवान का स्मरण करने में आसानी होगी। 17वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। नायत्र कालो निमिषं परा प्रभो कुतो नु देवा जगतां यईश्वरे नायत्र सत्वं न रजस्तमश्च ना वै विकारो न महान प्रधानम्। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस लब्ध प्रशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासक शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? इस अवस्था में न तो सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार भौतिक कारना अनव अथवा वह भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पिछले श्लोक में हमने ये लब्धोप शांति शब्द को पढ़ा था। लब्धोप शांति मतलब जब योगी पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मन बुद्धि सब विषयों को स्वयं पर, आत्मा पर, परमात्मा के ऊपर, हृदय में बैठे परमात्मा के ऊपर स्थित कर लेता है, तो वह पूर्ण रूप से शांति या स्थिरता कृष्ण चेतना में निमग्न हो जाता है। उस स्थिति को लब्धोप शांति बोलते हैं, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। और ऐसी अवस्था में वह योगी के ऊपर काल तक का प्रभाव नहीं होता है। तो देवी देवताओं का क्या कहना, देवी देवता तो स्वयं ही काल के प्रभाव पर होते हैं, लेकिन ऐसा लब्धोप शांति प्राप्त किया हुआ दिव्य अवस्था में जो व्यक्ति है वह काल से भी ऊपर उठ जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, मिथ्या अहंकार इत्यादि से ऊपर उठ जाता है। एक प्रकार से भौतिक प्रकृति का उसमें लेश मात्र भी स्पर्श नहीं रहता। संजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के रूप में प्रकट होता है, और वे चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक, जहाँ लोगों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जेय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है। तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी अस्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव शैतान से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्राकृतिक विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य स्थिति में भक्त गुणातीत अर्थात सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहाँ तक जा सकता हूँ उसका स्वामी हूँ। यह मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के अन्य प्रभुता दिखाने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने लगता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की
चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। प्रत्युत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है, जैसा कि भगवद गीता 7वां अध्याय 19वें श्लोक में कहा गया है, वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कारणार्नव रहता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार हर व्यक्ति जो भी भौतिक संसार में है, सर्वप्रथम तो समय के प्रभाव के अंतर्गत होता है। समय का प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप से। हर व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रभाव में है, और इसी से पता पड़ता है कि कोई भी मुक्त नहीं है। दूसरा, इंद्र चंद्र सूर्य इत्यादि जो देवता हैं, जो अलग अलग नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उन सब का भी इन्फ्लुएंस, उन सब का भी असर होता है हमारे जीवन पर। वो हमारे जीवन को नियंत्रण करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति और तीन गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में हम अपने जीवन को जीते हैं, तो इस प्रकार से अनेक रूप से हम देख सकते हैं कि हम मुक्त नहीं हैं, यद्यपि हम सोचते हैं कि हम मुक्त हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मिथ्या अहंकार को त्याग देता है, यह छोड़ देता है कि मैं भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और ये सोचता है कि नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। वासुदेव सर्वमिति, सब स्थानों में भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की उपस्थिति है, वही हर वस्तु के नियंता है, तब फिर वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे पढ़िए रंगनी प्रिया माता जी। उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह अध्यात्म अतियों की परम चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। ऐसे अध्यात्माती दो प्रकार के होते हैं, निर्वेशवादी तथा भक्त। निर्वेशवादियों का परम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परम व्यक्ति ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव श्री भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप कर पाता है, लेकिन निर्वेशवादी श्री भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता। अपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक शिवलिंग के रूप में विलीन होकर रहता है। श्री भगवान पूर्णता शाश्वता अनंत तथा ज्ञान के रूप में, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञान में है। वैकुंठ ग्रह भी शाश्वता अनंत तथा ज्ञान के रूप है। अतः श्री भगवान के वे भक्त जिन्हें श्री भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत ज्ञान में तथा आनंद में शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। श्री भगवान के धाम नाम यश पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और यह दिव्य गुण भौतिक जगत में किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण तीन प्रमुख विषयों, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य दो विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंच सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कर्म के प्रभाव से जो हम ईश्वर से अपने आप को संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो उच्चतर लोकों में व्यक्ति पहुंच सकता है। ज्ञान योग के माध्यम से जब परिपूर्ण हो जाता है तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, लेकिन भक्ति योग के माध्यम से भगवान के वैकुंठ धामों में प्रवेश मिलता है। प्रभुपाद अंतर बता रहे हैं ब्रह्म ज्योति में और वैकुंठ धामों में। जो निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति निराकार रूप में जाना चाहते हैं। निराकार रूप के दो गुण होते हैं, सत और चित। सत का अर्थ है शाश्वत और चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। लेकिन उसमें आनंद नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई सेवा का अवसर नहीं है। लेकिन वही जब भक्त भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न करता है तो आनंद को प्राप्त करता है, तब सत चित आनंद तीनों हो जाते हैं, और वह स्थिति वैकुंठ धाम में उसको ले जाती है। तो उस प्रकार से निर्विशेषवादियों से ऊपर स्थान भक्तों का रखा गया है।
अठारवा श्लोक। परम पदम वैष्णवाम ननन्ति तद् यन्नेति नेति यत् उत्सृष्व किश्वः विसृज्य दोरात्म अनन्य सोरदा हृदोपगुहर्थ पदम पदे पदे। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। हरे कृष्ण। यह जो स्थिति है नेति नेति, नेति नेति का अर्थ क्या है? ना इति मतलब यह वो वस्तु नहीं है जो हमारा आश्रय है। इस प्रकार भक्त लोग देखते हैं कि नहीं नहीं, ये भौतिक वस्तु ये हमारा आश्रय नहीं है, ये भौतिक व्यक्ति ये हमारा आश्रय नहीं है। हमारा आश्रय क्या है? पदम अहर पदम पदे पदे, क्षण क्षण में वह भगवान के चरण कमलों को अपना आश्रय मानता है और इसीलिए वह भौतिक वस्तुओं से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवत गीता में मद्धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है और श्री भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्यम असीम है जिसमें स्थित लोक वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में जो भौतिक व्योम से तथा इसके साथ आवरणों से बहुत ही दूरी पर है वह न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये लोग स्वयं प्रकाशित है और भौतिक सूर्यों से अधिक चमकीले है। सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं तथा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र सुहृद मानते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं रखते, केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोग स्पष्ट दिखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और न ब्रह्म क्या है माया क्या है इसकी व्याख्या में समय गंवाते हैं। वे न तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है या ईश्वर है ही नहीं या जीव ही ईश्वर है या जब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो भौतिक शरीर धारण करता है। न ही वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग है जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं किंतु अपने अंतकरण में मोक्ष की भावना छिपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते वे खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल देते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को मार्गच्युत करते जो नीरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस लोक में शुकदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है, अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गंवाता क्योंकि वह भली भांति जानता रहता है कि भगवान परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गूंथे हुए है और इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना चाहता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात इसी तरह धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। हरे कृष्ण। कोई बोल सकता है ये नेति नेति तो मायावादी निराकारवादी करते हैं जहाँ वो हर वस्तु को बोलते हैं नहीं नहीं ये भौतिक है इसको छोड़ दो, ये भौतिक है इसको छोड़ दो।
तो भक्त में और मायावादी में, भक्त में और निराकारवादी में अंतर क्या रह गया? अंतर यह है कि निराकारवादी नेति नेति करके वस्तु को छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त नेति नेति करके यह सोचते हैं कि नहीं, यह वस्तु मेरे लिए नहीं है लेकिन कृष्ण के लिए है। जैसे प्रभुपाद सरल उदाहरण देते हैं, आप सड़क पर चल के जा रहे हैं, आपको वहां पर 2000 का नोट मिला, तो एक प्रकार का व्यक्ति होगा जो उसको उठा लेगा, सोचेगा कि देखो 2000 का नोट मिला, आज कितना अच्छा दिन है। तो वो कर्मी है, वह क्या है? कर्मी है। उसने वो नोट उठा लिया, अपनी इंद्र तृप्ति में लगा लिया, उसको कर्म बंधन में पड़ना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति वो 2000 का नोट देखेगा, बोलेगा नहीं नहीं ये तो मेरा नहीं है, इसको मैं क्यों स्पर्श करूं, इसको यहीं छोड़ दो। वो छोड़ करके आगे चला जाएगा। तो अभी वो कौन हुआ? वो ज्ञानी हुआ। ज्ञानी मतलब वह नेति, वो छोड़ना चाहता है, वह सोचता है कि नहीं नहीं ये इसके चक्कर में पड़ूंगा फिर कर्म बंधन में पड़ जाऊंगा। तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है 2000 का नोट पड़ा है, वो सोचता है अरे ये तो किसी का गिर गया है, मैं चलो देखता हूँ किसका है, जिसको जिसका है उसको वापस लौटाऊंगा। तो उसके लिए वो प्रयास करता है। ये भक्त होता है। भक्त क्या करता है? यह देखता है कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति वासुदेवम सर्वमिति भगवान की है, तो मैं उनकी सेवा में इसको दोबारा लगाऊंगा। यह भक्त इसलिए विलक्षण बताए गए। श्लोक संख्या 19। इत्थं मुनि सतु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सौराधिनाधिताश्रया स्वपाश्रणीना पिद्य गूढ़ं ततो निलं स्थानेषु षटासु नयमये जीत क्लमः। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य जो परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार बुदा को पाव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी योगी किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करते हैं वह वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, कैसे अपने शरीर को पूर्ण रूप से संतुलन में ला करके अपने प्राणों को जो 6 चक्र हैं उनको जागृत करते हुए भौतिक शरीर का त्याग करते हैं और फिर आध्यात्मिक आकाश की ओर अग्रसर होते हैं। हरि प्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवत गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और यह उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी शुद्ध उपलब्धियों के द्वारा छद अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे शुद्ध प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धा पूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए
और तब प्राण वायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। सवकृत योग विधि द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी, किंतु वर्तमान में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राण वायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जीवात्मा जब भगवान से स्वतंत्र होना चाहती है तो वह भौतिक इच्छाएं करती है, लेकिन यह भूल जाती है कि वह अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान की मदद के बिना नहीं कर सकती। उन्हें भौतिक इच्छाएं भी पूरी करनी है तो भगवान का ही सामर्थन चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की शक्तियों से ही तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भक्त आता है तो वह सोचता है कि जब मैं भगवान की मदद से ही सब कुछ कर रहा हूं तो क्यों ना मैं उनके ऊपर ही आश्रित हो जाऊं। वहां भक्ति की शुरुआत होती है। और यहाँ जो योगी का वर्णन किया जा रहा है, हम लोग भी यह पढ़ के सोच सकते हैं कि अरे ये हमारे लिए कैसे संभव है, ये षड चक्रों को जागृत करना और इस प्रकार से प्राणों का त्याग करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, हमारे लिए मन को एकाग्र करने के लिए शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र के द्वारा हम लोग अपने मन, बुद्धि, अहंकार, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से निमग्न कर सकते हैं और भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्माद् उदानगत्यारुषितं नयेन मुनिः ततोऽनुसन्ध्या संधाय धिया मनस्वी स्वातानुमूलं शनकैर्न नयेत। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में और हृदय से छाती में और वहां से तालु के नीचे भाग तक ले जाए और उसे बुद्धि में समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। हरे कृष्ण। ये प्राणवायु के जो 6 चक्र हैं उन पे क्रमशः बता रहे हैं कैसे धीरे धीरे अपने प्राणों को वह समेटता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है और फिर ऊपर से वो अपने प्राणों को छोड़ करके ब्रह्म आकाश में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुमन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वाधिष्ठान चक्र या प्राण वायु का शक्ति आगार है और उसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान का अवलेषण किया जाता है तो अनाहत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्ध चक्र मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रकार अनेक अनेक चक्रों के नाम प्रभुपाद बता रहे हैं, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्धि। इस प्रकार चक्रों को योगी एक एक करके क्रमशः जागृत करता है। तस्माद् भ्रुवोर अनंतरम उन्ननेता निरुद्ध सप्तायतनोनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्तार्धम अकुंठ दृष्टिर निर्भिद्य मूर्धम विसजेत परम गतः। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों मोहों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के साथों बहिर द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है
तब उसे ब्रह्मरंध तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। ब्रह्मरंध्र मतलब शीर्ष पे जो चक्र होता है वहां तक वो प्राणों को लेकर के आ जाता है और एकमात्र उसका उद्देश्य होता है कि भगवान के पास वो पुनः लौट करके चला जाए। अब उसके प्राण इंद्रियों में नहीं है, इन प्राणों को चक्रों में समेटने का मतलब क्या है? इंद्रियों की गति से हमारे मन बुद्धि अहंकार के आकर्षण को हटा करके ध्यान केंद्रित करते हैं भगवान के ऊपर और गंतव्य एकदम स्पष्ट होता है कि हमें अब भगवत धाम वापस जाना है, भौतिक संसार के हम पदार्थ नहीं है। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति की मात्रा के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवद गीता 9वें अध्याय 20वें श्लोक में सबसे अधिक जीवनावधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती, उसे भगवत धाम वापस लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवद गीता 2वें अध्याय 59वें श्लोक में कहा गया है कि ऐसे भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परं दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार की विविधताओं से शून्य है, घातक है और जीवों को बहका कर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञ लोगों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने आप को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला ले किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि श्लोक में बताया गया है, अतएव वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को आध्यात्मिक जगत भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है केवल वही इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा भगवद गीता में कई स्थानों पर आया परम धाम शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये है 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतया मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है वह सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है जिससे प्राणवायु सहजी ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। हरे कृष्ण। तो जो भौतिक व्यक्ति हैं उनका अनुभव ही नहीं है, उनका ज्ञान ही नहीं है भौतिक संसार के परे कुछ है, तो वह सोचते हैं कि भौतिक संसार ही हमारा घर है, फिर से पुनः यहीं पर आना है और उस प्रकार से उनकी चेतना भौतिक संसार में ही लगी रहती है। लेकिन जो योगी हैं, जो भक्त हैं, वह जानते हैं कि ये भौतिक संसार से ऊपर वैकुंठ है। इस श्लोक में बताया अकुंठ, अकुंठ वैकुंठ एक ही बात है। जहां कुंठ नहीं है, जहां दुख दर्द समस्याएं नहीं है, उस स्थान को बोलते हैं वैकुंठ या अकुंठ। तो वो सोचते हैं कि भौतिक संसार में इतनी समस्याएं हैं तो हम लोग ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई समस्या ना हो, इसलिए अकुंठ दृष्टि। अकुंठ दृष्टि मतलब उनका एकमात्र गंतव्य उसके ऊपर फिक्स रहता है कि मुझे वैकुंठ जाना है, और इसीलिए वह भौतिक वस्तुओं में लिप्त ना होते हुए
जो सर्वोच्च लोक है भगवत धाम, उसमें जाने के लिए अग्रसर होते हैं और उसी पद्धति को यहाँ पर बताया गया है। यदि प्रयासन नृप परम परमेष्ठ्यं वैहास्य सानामुत यद्विहारन् अष्टाधिपत्यन् गुणसन्निवाये सैहेव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तदापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा भयासों के साथ ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। हरे कृष्ण प्रभु। अब समस्या क्या है, ऐसा योगी भी भौतिक आकर्षण में पड़ सकता है। हो सकता है कि वो पृथ्वी के भूमंडल के आकर्षण में ना पड़े, लेकिन उच्च लोग हैं, ब्रह्मलोक इत्यादि लोग जो हैं, वहां पर इतना ऐश्वर्य है, वहां पर इतना सतोगुण का प्रभाव है, उससे योगी आकृष्ट हो जाता है, सिद्धियों से आकृष्ट हो जाता है। कई सिद्धियां ऐसे योगी को मिल जाती हैं, इसलिए हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े साधु योगी कई सिद्धियों को दिखा पाते हैं। प्रभुपद तात्पर्य उन सिद्धियों को बताएंगे कि सिद्धियां क्या होती हैं, तो उन सिद्धियों के चक्कर में फिर अपने गंतव्य को भूल जाते हैं। तो सूक्ष्म रूप से भौतिक इच्छाएं उनके अंदर रहती हैं और वो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों से मुक्त नहीं हो पाते। वीर प्रसाद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधा है। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्राह्मण लोक, गुरु लोक इत्यादि हैं और वे सब महरलोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है, उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वे कण के समान लघु होने की शक्ति अरिमा सिद्धि या पंख से भी हल्का होने की शक्ति लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या की इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने हेतु स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की यशित्व सिद्धि या सारे तत्वों को वश में करने की वशित्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल ना होने की शक्ति रखने की प्राकम्य सिद्धि या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने काम वसायिता सिद्धि हेतु कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया है। अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं, आप इस तात्पर्य में मार्क करके रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम बड़ा है अणिमा। अणिमा मतलब बहुत छोटा सूक्ष्म हो जाता है। अपने जैसे हनुमान जी बहुत सूक्ष्म होकर के लंका में प्रवेश करे थे, बहुत सूक्ष्म होने की योगी में शक्ति होती, बहुत लघु हो जाता है। लघिमा, लघिमा मतलब बहुत हल्का हो जाता है। तो इसके चलते योगी हवा में तैर के कहीं पर जा सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं इत्यादि इत्यादि, बहुत हल्के हो जाते हैं लघिमा। दूसरा मणि, महिमा। महिमा मतलब बहुत भारी हो सकते हैं। तो कई जैसे अंगद का पैर था, अंगद ने पैर रखा, कोई भी उठा नहीं पाया, मन महिमा इतने भारी हो सकते हैं कि कोई भी उसको हिला ना सके। और फिर ईश्वित्व सिद्धि। ईश्वित्व सिद्धि मतलब कोई भी वस्तु को उत्पन्न कर सकते हैं, किसी वस्तु को विनष्ट भी कर सकते हैं, उत्पन्न भी कर सकते हैं। जैसे विश्वकर्मा इत्यादि कई लोगों को गठित करते हैं, फिर उसको विनाश करने की शक्ति भगवान शिव को होती है। ईश्वत्व सिद्धि एक तरह से ईश्वरीय शक्ति होती है। फिर विश्वत्व सिद्धि, किसी भी वस्तु को वश में करने की शक्ति भगवान इन योगियों को देते हैं। उसके बाद प्राकम्य सिद्धि। प्राकम्य सिद्धि मतलब जो भी वो इच्छा करते हैं अपने मन में, वो कभी भी विफल नहीं होगी, वह वस्तु को वह प्राप्त कर लेंगे। काम वसायिता मतलब कोई भी रूप, इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वह शक्ति भी होती है। प्राप्ति, यहीं पर बैठे बैठे अफगानिस्तान तक हाथ पहुंचा देंगे और वहां का कोई फल उठा करके ले आएंगे, यह प्राप्ति सिद्धि होती है। इस प्रकार से अलग अलग सिद्धियों का यहाँ पर वर्णन है जो योगियों को फिर अपने पथ से भ्रष्ट कर देती हैं। यह सिद्धियों को प्राप्त करके वह भगवान का चिंतन भूल जाता है। अर्चना माता जी आगे पढ़िए।
कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती है। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने हेतु किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह में इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक यान यथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। चूंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहता है, अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिसके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी है। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की द्योतक हैं। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता श्री भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। श्री भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने हेतु मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकवादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती है। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती है और जब वही इंद्रियां श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होती है तब वे भौतिक दुखों से प्रदूषित नहीं हो पाती। हरे कृष्ण। इस यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार ये जो छह सिद्धियां हैं यह किस प्रकार से हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, क्योंकि पढ़कर ही लगता है कि अरे वाह ऐसा भी हो सकता है कि आध्यात्मिक मार्ग में, तो ये प्रलोभित करती हैं हमको, फिर भौतिक संसार में ऐसा महसूस कराती हैं कि हम प्रभुत्व जता सकते हैं, हम भौतिक संसार में बड़े प्रभावशाली हैं, लोगों के ऊपर हमारा वश है, प्रकृति के ऊपर हमारा वश है, और ये ईश्वरीय चेतना हमारे मन में आ जाती है कि हम भी भगवान की तरह ही किसी का शोषण कर सकते हैं, किसी को वश में कर सकते हैं, किसी को भोग कर सकते हैं, और इसलिए योगी इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति में बने रह जाते हैं। भक्त इन सिद्धियों से ऊपर उठ जाता है, भक्त इन सिद्धियों से ऊपर उठ करके भगवान की नित्य सेवा में अपने आप को लगाता है और उस प्रकार भगवत धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे बताएंगे। कल हम लोग श्लोक संख्या 23 से आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताई गौर।